रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमारे आज के लेक्चर का ये दूसरा पार्ट हदीस नंबर आठ पर मुश्तमिल है अनबी हर रज़ी अल्लाह तु काला कला वसल्लम हज़रत अबूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने फ़रमाया ला तन्ना ना रश कर नाफाजर किसी बदकार पर भी मतिन किसी नेमत के मिलने पर फन्ना का ला तदरी नहीं जानता तू माँ हुआ ला किस चीज से मिलने वाला है मौत ही अपनी मौत के बाद बेषक लाह केसा का नहीं मौत। या या आग। ल्ला ल्ला वाले वाले ने फरमाया किसी बदकार शख्स को मिलने वाली नियमतों पर रशक न करना क्यूँकी बेशक तुम्हे मालूम नहीं वो अपनी मौत के बाद किस मुसीबत और आजाब से हमकनार होने वाला है बेशक अल्लाह के पास वो एक ऐसा कातिल है जिसको कभी मौत नहीं यानी कि उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है इस आदि से मुबारक में मौजूदा दौर के अंदर पाए जाने वाले एक अहम नफ्सियाती मसला पर रोशनी डाली गई है एक मुसलमान नेक इंसान जब तंगदस्ती की जिंदगी गुजारता है मुश्किल और मुसीबत से दो चार होता है और वो अपने मुकाबला में किसी सरकश और गुनेगार शख्स को ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते देख रहा हो तो उसके जहन में मायूसी और बद्दी पैदा होती है इस सूरत में शैतान इंसान के दिल में अजीब व गरीब वसवसे डालता है और बसा औकात नेक आदमी तंगदस्ती परेशानी और मुसीबत में सरकश के बारे में रशक का शिकार होने लगता है ये कैफियत जो है वो दर हकीकत एक नशुक् की कैफियत है और हदीसी मुबारक में इसी कैफियत से बचने की, की गई है सुराल आयत सिक्स में फरमाते हैं लागुर तुम्हे काफरों का शहरों में चलना फिरना इनकी मुआशी सरगर्मियों और तरक् में मुब्तला होना कहीं फरेब और गलतफहमी का शिकार ना कर दे मताउन कलील उन ये तो सामान है बहुत ही थोड़ी मुद्दत के लिए सुम्मा मामा हम जहन्नम और फिर इनका ठिकाना जहन्नम है हजरत अकबा बिन आमर रजी अल्लाह से रवायत है कि रसुल्लम ने फरमाया जब तुम देखो अल्लाह ताली किसी बंदे के गुना और नाफरमानी की जिंदगी के बावजूद उसे दुनिया की वो नियमतें दे रहा है जिनकी वो तलब करता है तो समझ लो ये इस बंदे के हक में इस्तदराज़ है इस्तदराज़ से क्या मुराद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मानी बयान करते हुए फरमाया अगर कोई शख्स बगावत और सरकशी को इख्तियार करता है गुनाह की जिंदगी के अंदर इस तरह मुलविस हो जाता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को यकसर भुला दे अल्लाह तला का उसे पकड़ने का यह का तरीका है कि वह उसकी लगाम डीली कर देते हैं वो दुनियावी जिंदगी में इतना मस्त हो जाता है कि हर किस्म के खतरे से बेन्यास बैठा होता है अल्लाह की गिरफ्त अचानक उसको आ लेती है अचानक उस पर अल्लाह का अजाब आ जाता है इस डील को दीन की इस में इस्तदराज़ कहा जाता है गोया हमें यह समझाया गया है कि अगर हम किसी गुनेगार और सरकश बंदे को देखें कि वो ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है तो हमें हर भी इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा कामयाब है वो बड़ा ही सक्सेसफुल है और उस पर हम रशक करें और उस ख्वाहिश करें कि ये चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? हमें इस तरह का आराम और सुकून क्यों नहीं मिल रहा हमारी अतात और फर्मा बरदारी के बावजूद हमें दुनिया के अंदर इन मसाइल और परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है एक्चुअली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सरकश और बागी की रस्सी को दराज कर रखा होता है और जब वो उस पर हजत कायम हो जाती है हर तरह से वो अल्लाह की तरफ पलटने और लौटने का कोई रास्ता किसी भी तरफ से नहीं पाता तमाम रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ जो है वो उसको आन लेती है उम्मत मुसलमान के खसूस ऐसे अफराज जो मगरब की तरक् और माशी फरवानियों से आगा हैं वो मुसलमानों की बदहाली में उनके अंदर बद्दी पैदा करते हैं और उनके ज़ेन गैर मुसलमों की मादी तरक्की से मरऊब हो जाते हैं जिसकी वजह से उमत मुसलमान के अंदर एक तरह की कमतरी और महरूमी पैदा हो जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नफसियाती मसले को हल फरमा दिया है और नबी करीम वसल्लम ने हदीस मुबारक के ज़रिए हमें ये आगाह कर दिया है कि दुनिया के अंदर एक मोमिन पर जो आजमाइशें आती हैं तकलीफ़ें आती हैं परेशानियाँ आती हैं मोमिन मुसलमान के लिए वो भी खैर और भलाई से ख़ाली नहीं होती मोमिन के ऊपर आने वाली मुसीबत और परेशानी या तंगी या किसी भी तरह की जो परेशानी है वो उसके लिए एक इनाम की तरह होती है एक नेमत की तरह होती है अल्लाह रब्बुल रबुली उस परेशानी उस, उस बदहाली की वजह से या तो उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने मुकर्रबीन में शामिल कर देते हैं अपने और ज़्यादा करीब कर लेते हैं उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं उसका मकाम और उसका स्टेटस आप फरमा देते हैं जबकि दुनिया के अंदर किसी सरकश और बागी को अपनी सरकशी और बागी के अंदर मिलने वाली आसानी नेमत और आराम बिल आखिर उसके लिए अजाब और मुसीबत का बायस बनते हैं। यानी एक मोमिर और मुसलमान इंसान दुनिया के अंदर मुश्किल हालात का सामना करता है तो ये मुश्किल हालात उसके लिए बिला आखिर आसानी और आराम का बायस बनते हैं और एक मुजरिम और फासिक आदमी जब दुनिया की ज़िंदगी में आसानी और दौलत की फरावानी को इंजॉय करता है तो उसको इसके बाद अजाब मुसीबत परेशानी और तकलीफ से दो चार होना पड़ता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए यह फरमा दिया ला ला इल्ला अशुल आखिर यह दुनिया की जिंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है यहां मिलने वाला आराम भी मुख्तसर अरसे के लिए है जो कि ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और यहां मिलने वाली परेशानी और तकलीफ़ भी बहुत महदूद मददत के लिए है जो कि मौत के आने के साथ ही इंसान उनसे खुलासी पा जाएगा इस हकीकत को एक और हदीसी मुबारक में नबी आल्लाम ने इन अल्फाज में बयान किया कि कयामत के दिन जब अल्लाह के हजूर एक सरकश बागी को पेश किया जाएगा एक बदकार जालिम इंसान को अल्लाह के हजूर हिसाब किताब के, के लिए लाया जाएगा जिसने अपनी पूरी दुनियावी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी होगी तो अल्लाह रब्लामीन फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जरा इस बंदे को जहन्नम का एक नज़ारा करवा कर लाओ जहन्नम में दाखिल नहीं किया गया जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म नहीं दिया गया अभी वो अजाब से दो चार नहीं हुआ महज फरिश्तों को ये कहा जाएगा कि बाहर से जहन्नम का एक इसको नज़ारा करवा कर लाओ एक चक्कर लगवा कर लाओ फरिश्ते उसको पकड़ जब बाहर से जहन्म उसको दिखाकर वापस अल्लाह के दरबार में लेकर आएंगे तो अल्लाह रबालमीन उस बंदे से सवाल करेंगे हाँ मेरे बंदे बताओ दुनिया की ज़िंदगी कैसे गुजार कर आए हो हमने दुनिया में तुम्हें खूब खुशहाली अता की मालो दौलत की फ्रावानी अता की दुनिया की ज़िंदगी में तुम ऐशो आराम से ही गुजार दुनिया की ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजार कर आए हो बताओ वो जिंदगी कैसी ज़िंदगी थी वो आराम कैसा आराम था अब ये सरकश फाजिर और फांसी के इंसान जहन्नम का एक नज़ारा देख लेने के बाद दुनिया की सारी आसाइशों को भूल जाएगा सारी दुनिया की लज्जतों को फरामोश कर देगा उसके ऊपर जहन्नम का खौफ इस कदर तारी हो जाएगा इतना वो हवास बाखता होगा कि वो अल्लाह के सामने ये इकरार कर रहा होगा ये एतराफ़ कर रहा होगा कि अल्लाह दुनिया के अंदर मैंने किसी तरह की किसी नेमत को अवेल नहीं किया दुनिया के अंदर मैंने कोई खुशहाली नहीं देखी कोई आराम और सुकून की मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारी इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा झूठ बोलेगा ये नहीं है कि वो अल्लाह के सामने मुकरने की कोशिश करेगा बल्कि हकीकत ये है कि जहन्नम को बाहर से देख लेने के बाद ही दुनिया की ज़िंदगी की तमाम लज्जतें तमाम आराम और ऐश जो है वो उसके दिमाग से बाप की तरह उड़ जाएगा और वो फरामोश कर देगा उसको भुला देगा उसे कुछ याद नहीं होगा कि कभी उसने दुनिया के अंदर आराम और सुकून से चंदगड़ियाँ गुजारी हैं ऐसे ही फिर वो बंदा अल्लाह के हज़ूर हिसाब किताब के, के लिए पेश किया जाएगा जिसने दुनिया की ज़िंदगी इनतहाई बुरे हाल में गुजारी है लेकिन वो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला अतात और फर्मा बरदारी को इख्तियार करने वाला सब्र और शुक्र के रास्ते को इख्तियार करने वाला है दुनिया के अंदर हर मुसीबत के आ जाने पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सब्र का इजहार करने वाला था तो अल्लाह आलमीन उस शख्स के बारे में फरिश्तों को यह हुक्म देंगे कि ज़रा इसको जन्नत का एक राउंड एक चक्कर लगवा कर लाओ अभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया गया जन्नत की खूबसूरती के नज़ारे को वो शख्स सिर्फ बाहर से देख रहा होगा और जन्नत का एक चक्कर लगाने के बाद जब वो दोबारा अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा अल्लाह उससे पूछेंगे हाँ मेरे बंदे बता दुनिया की ज़िंदगी कैसी गुजार कर आई हो दुनिया में तुमने तुम्हें तुम्हारे ऊपर बड़ी आजमाशी आईं, तुम्हें बड़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ा बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा बताओ वो जिंदगी कैसी ज़िंदगी थी वो बंदा जन्नत का एक नज़ारा देख लेने के बाद जन्नत को बाहर से ही देख लेने के बाद इस कदर फरत महसूस करेगा इस कदर रिलैक्स महसूस करेगा वो इस कदर खुश होगा कि दुनिया की तमाम मुसीबतों और मुश्किलों को भुला देगा उसके जहन से दुनिया के तमाम गम महव हो जाएंगे दुनिया के तमाम गम उसके जहन से मिट जाएंगे और वो अल्लाह के सामने कह गया अल्लाह मैंने दुनिया में कोई दुख नहीं देखा कोई परेशानी मेरे ऊपर नहीं आई कोई आजमाइश मेरे ऊपर नहीं आई मैंने दुनिया में किसी मुश्किल को फ़ेस नहीं किया हालांकि सारी ज़िंदगी उसने मुश्किल में गुजारी होगी मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे झूठ बोल रहा होगा ना उस बिल्ला बल्कि जन्नत का खूबसूरत नज़ारा देख लेने के बाद उसके जहन से दुनिया के तमाम दुखों के नकूश मिट जाएंगे जैसे कि फांसी को जाबिर इंसान के जहन से दुनिया की तमाम आसाइशों के नकूश जहनम को देख लेने के बाद मिट जाएंगे ऐसे ही नेक आदमी के जहन से दुनिया के तमाम नक्श मटा दिए जाएंगे जब वो जन्नत के एक नज़ारे को देख लेगा इससे क्या मालूम हुआ इस हदीसी मुबारक से हमें क्या मालूम हुआ कि हमें दुनिया की जिंदगी में दूसरों को किसी आसानी किसी आराम किसी भी नमत को देख कर किसी भी तरह रशक और हसद का शिकार नहीं होना चाहिए जैसे हमने हदीस नंबर एक के अंदर भी पढ़ा था कि रशक करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं हसद की तो वैसी ही ममानत है हसद तो हराम करार दिया गया है हसद करने से तो इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं हसद करने वाले के दिल में ईमान बाकी नहीं रहता रशक करने की भी हदीस मुबारका के अंदर इजाज़त नहीं है कि किसी के पास दुनिया का माल दौलत दुनिया का कोई स्टेटस दुनिया की कोई कामयाबी देखें तो इंसान इस फिक्र में मुबतला हो जाए इस सोच में पड़ जाए कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रही मैं इससे क्यों महरूम हूँ मैं अल्लाह की इबादत करने के बावजूद तंगी और परेशानी की ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ मेरे ऊपर ये आजमाइशें क्यों चलती चली आ रही हैं उसे हरगिज़ भी इस तरह के शकूक व शबहत का शिकार नहीं होना चाहिए दुनियावी मालो दौलत के मुकाबला में रशक का शिकार नहीं होना चाहिए रशक अगर करना है तो फिर नेक लोगों पर किया जाए उन लोगों की जिंदगियों पर रश किया जाए जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी को हासिल करना है अगर रशक करना है तो उन लोगों पे किया जाए हमें इस दौड़ में शामिल नहीं होना हमें इस लाइन में नहीं लगना कि हम उन लोगों को को अपने लिए काबिल रश्क बनाएं जो कि दुनिया के अंदर इस तरह मसरूफ़ और मशगूल हैं कि उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर रखा है वो अल्लाह की सरकशी और बगावत अख्तीार किए हुए हैं और दुनिया की नेमतों से लुफ़ानदोज़ होकर अन वो, वो अल्लाह के अजब से मिलने वाले हैं हरगज़ हरगज़ भी हमें उनकी ज़िंदगी पर रश्क नहीं करना बल्कि हमें अल्लाह रबूल आलमीन की अताकर्दा नीमतों पर शिक्र करते हुए आने वाली मुश्किल और परेशानियों पर सबर करते हुए अतात और फरमा बरदारी को इख्तियार करना है और अल्लाह रबूल आलाम से ये तोफ़ी मांगनी है कि अल्लाह हमें उन लोगों की सफ़ में शामिल कर दे अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जो कि अल्लाह रबूल आलाम को खुश करने वाले और अल्लाह की अतात और फरमा बरदारी करने वाले हैं वम तोफ़ी ला बिल्ला तवक्ल तो भही उन्हीं